और स्वागत है आप सबका फिर से एसकेज नर्सिंग एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की जो अपनी क्लासेज चल रही थी उनमें अपन डिस्कस कर रहे थे फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस को। लगभग जितने इम्पोर्टेंट फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस थे उनको अपन ने डिस्कस कर लिया है। आज का अपना लास्ट टॉपिक है हाइपर मैग्नेशेमिया। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी अपकमिंग क्लास होगी उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट की बाकी की जो प्रीवियस क्लासे हैं उनको अगर आपने अटेंड नहीं किया है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में बाकी सारी क्लासों की लिंक दी गई है। इसके अलावा जो चैनल की प्लेलिस्ट है उसके अंदर आप फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस की जो प्लेलिस्ट है उसके थ्रू जितनी भी क्लासे थी स्टेप बाई स्टेप उन सबको आप अटेंड कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक हाइपर मैग्नेशेमिया। हाइपर मैग्नेशेमिया मीन्स नाम से पता चल रहा है, हाइपर का मतलब होता है इंक्रीज्ड एंड मैग्नेशेमिया मीन्स मैग्नीशियम। प्रीवियस क्लास के अंदर अपन ने पढ़ा था कि जो नॉर्मल सीरम मैग्नीशियम लेवल होता है वो होता है 1.32 2.1 मिली इक्विलेंट पर लीटर। कितना होता है? 1.32 2.1 मिली इक्विलेंट पर लीटर। देन अगर सीरम मैग्नीशियम लेवल 2.1 मिली इक्विलेंट से ज्यादा हो जाए तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं हाइपर मैग्नेशेमिया। तो हाइपर मैग्नेशेमिया इज सीरम मैग्नीशियम लेवल ग्रेटर देन 2.1 मिली इक्विलेंट पर लीटर। हाइपर मैग्नीशेमिया क्या है? सीरम मैग्नीशियम लेवल का 2.1 मिली इक्विलेंट पर लीटर से ज्यादा हो जाना हाइपर मैग्नीशेमिया। प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने बताया था कि मैग्नीशियम क्या होता है, सेकंड मेजर इंट्रासेल्युलर कैटायन होता है एंड ये सेल्युलर एंजाइम सिस्टम के एक्टिवेटर के रूप में काम करता है। सेल्युलर एंजाइम सिस्टम के एक्टिवेटर के रूप में काम कौन करता है? मैग्नीशियम। एंड सेकंड मेजर इंट्रासेल्युलर कैटायन होता है, फर्स्ट होता है पोटेशियम, पोटेशियम के बाद अगर कोई मोस्ट अबंडेंट होता है तो वो होता है मैग्नीशियम। देन कारण क्या होते हैं किसी पर्सन के अंदर मैग्नीशियम हाइपर हो जाने के, हाइपर मैग्नेशेमिया डेवलप होने के? तो फर्स्ट वन, इंक्रीज्ड मैग्नीशियम इनटेक। इंक्रीज्ड मैग्नीशियम इनटेक, मैग्नीशियम इनटेक बढ़ने के कारण। और मैग्नीशियम इनटेक कब बढ़ेगी? तो एक्सेसिव यूज ऑफ मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड एंड लेक्जेटिव। अगर कोई पर्सन ऐसे एंटासिड और लेक्जेटिव का एक्सेसिव यूज करता है जिनके अंदर मैग्नीशियम है तो क्या होगा? मैग्नीशियम की ओवरडोज हो जाएगी एंड हाइपर मैग्नेशेमिया डेवलप हो जाएगा। तो एक्सेसिव यूज ऑफ एंटासिड एंड लेक्जेटिव कंटेनिंग मैग्नीशियम कैन कॉज हाइपर मैग्नेशेमिया। देन सेकेंड वन, आईवी इन्फ्यूजन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 जिसको अपन बोलते हैं मैग्नीशियम सल्फेट, इसका अगर एक्सेसिव अमाउंट में आईवी इन्फ्यूजन कर दिया जाए तो भी क्या होगा? हाइपर मैग्नेशेमिया डेवलप हो जाएगा। क्यों करते हैं अपन मैग्नीशियम सल्फेट का यूज? तो कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें हैं, मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार एग्जाम के अंदर आए। MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट अपन इसको यूज करते हैं, फर्स्ट चीज तो हाइपोमैग्नीशेमिया को ट्रीट करने के लिए अपन मैग्नीशियम सल्फेट यूज करते हैं। देन हाइपोमैग्नीशेमिया के सिम्टम क्या थे? तो एक अपन ने सिम्टम देखा था हाइपरटेंशन। क्या देखा था? हाइपरटेंशन। तो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन प्रेगनेंसी के अंदर जो हाइपरटेंशन देखने को मिलता है या प्रेगनेंसी के अंदर अपन जिसे कहते हैं
एक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया के अंदर जो हाइपरटेंशन होता है उसको ट्रीट करने के लिए अपन यूज करते हैं मैग्नीशियम सल्फेट। तो अगर मान लो अपन ने किसी पेशेंट, एक्लेम्सिया वाले पेशेंट को ट्रीट करने के लिए मैग्नीशियम सल्फेट यूज किया और वो एक्सेसिव अमाउंट में यूज कर लिया, तो क्या होगा, हाइपर मैग्नेशेमिया डेवलप हो जाएगा। उसी तरह हाइपो मैग्नीशेमिया के अंदर अपन ने एक और क्लिनिकल फीचर देखा था, सीजर। क्या देखा था? सीजर्स। तो सीजर्स को भी ट्रीट करने के लिए अपन यूज करते हैं MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट यूज करते हैं टू ट्रीट सीजर्स। तो अगर कोई सीजर वाला पेशेंट है और अपन उसको ट्रीट करने के लिए मैग्नीशियम सल्फेट यूज कर रहे हैं और एक्सेसिव अमाउंट में यूज कर लिया, एक्सेसिव यूज ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, तो भी क्या हो सकता है, हाइपर मैग्नेशेमिया डेवलप हो सकता है। तो इस तरह से ये कंडीशन होती है जिनमें अपन मैग्नीशियम सल्फेट का यूज करते हैं, देन एक्सेसिव यूज करने के कारण हाइपर मैग्नेशेमिया डेवलप हो सकता है। तो अगर मान लो अपन मैग्नीशियम सल्फेट यूज कर रहे थे, कॉम्पिटिटिव बेसिक की चीज है याद रखना, कि अगर अपन मैग्नीशियम सल्फेट यूज कर रहे थे और एक्सेसिव यूज कर लिया अपन ने, क्या कर लिया, एक्सेसिव यूज कर लिया। प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था मैंने, रिमेम्बर करिएगा, तो मैंने बताया था कि हाइपो मैग्नीशियमिया को ट्रीट कर रहे थे, ट्रीट करने के लिए MgSO4 का यूज किया अपन ने और कंडीशन डेवलप हो गई हाइपर मैग्नीशियमिया। तो अपने को कैसे पता चलेगा, अपने को पता चलेगा डिक्रीज्ड और अब्सेंट डीप टेंडन रिफ्लेक्स। ये क्या होता है, हाइपर मैग्नेशेमिया का साइन होता है डिक्रीज्ड और अब्सेंट डीप टेंडन रिफ्लेक्स। इसके अलावा एक और होता है रेस्पायरेटरी इनसफिशियंसी। रेस्पायरेटरी इनसफिशियंसी तो पूछा जाता है कई बार कि अगर अपन मैग्नीशियम सल्फेट यूज कर रहे हैं तो कब अपने को बंद कर देना चाहिए। पूछते हैं कि अपन किसी पेशेंट को ट्रीट करने के लिए ऐसा दे देते हैं कि हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए या सीजर्स को ट्रीट करने के लिए मैग्नीशियम सल्फेट यूज कर रहे थे, तो कब अपने को पता चलेगा कि टॉक्सिसिटी हो गई और अपने को बंद कर देना चाहिए। तो अगर डीप टेंडन रिफ्लेक्स अब्सेंट मिल रही है या रेस्पायरेटरी इनसफिशियंसी मीन्स रेस्पायरेशन बिलो 12 पर मिनट मिल रहा है, कितना, 12 पर मिनट, तो उस कंडीशन में अपने को मैग्नीशियम सल्फेट का इन्फ्यूजन बंद कर देना चाहिए। एंड एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट क्या होता है, तो मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट होता है कैल्शियम ग्लूकोनेट। क्या होता है, कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो जब भी अपन किसी पेशेंट के मैग्नीशियम इन्फ्यूज करेंगे तो अपने को कैल्शियम ग्लूकोनेट अवेलेबल होना चाहिए अपने पास, क्योंकि अगर हाइपर मैग्नेशेमिया डेवलप हो गया, डीप टेंडन रिफ्लेक्स अब्सेंट मिल रही है अपने को या डिक्रीज मिल रही है या रेस्पायरेटरी इनसफिशियंसी देखने को मिल रही है, रेस्पायरेशन बिलो 12 पर मिनट मिल रहा है, तो उस कंडीशन में कैल्शियम ग्लूकोनेट इंफ्यूज करना है। तो ये कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीजें थी। फिर से आते हैं अपनी इटियोलॉजी पे, फिर से अपन देखते हैं अपनी इटियोलॉजी। इटियोलॉजी के अंदर अपन पढ़ रहे थे फर्स्ट वन की अगर मैग्नीशियम की इनटेक इंक्रीज हो जाए तो क्या हो जाएगा, हाइपर मैग्नेशियमिया हो जाएगा, इंक्रीज्ड इनटेक। और इनटेक इंक्रीज कैसे होगी, तो मैंने बताया था यूज ऑफ मैग्नीशियम कंटेनिंग, वापस बता रहा हूं, यूज ऑफ मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड एंड लेक्सेटिव के कारण क्या हो सकता है, हाइपर मैग्नीशियमिया। देन आईवी इन्फ्यूजन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, MgSO4 का एक्सेसिव आईवी इन्फ्यूजन करने पर भी हाइपर मैग्नेशेमिया हो सकता है। देन सेकेंड डिक्रीज्ड एक्सक्रीशन, अगर मैग्नीशियम का एक्सक्रीशन डिक्रीज हो जाए तो भी हाइपर मैग्नेशेमिया हो सकता है और ये डेवलप होगा रीनल इनसफिशियंसी के अंदर। रीनल इनसफिशियंसी के अंदर तो इस तरह से ये दो मेजर इटियोलॉजिकल फैक्टर होते हैं जो किसी पर्सन के अंदर हाइपर मैग्नेशियमिया डेवलप होने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके बाद बात करते हैं अपन इसके क्लिनिकल फीचर्स की।
फीचर्स के अंदर फर्स्ट वन मैंने बताया था कि मोस्टली अफेक्ट होता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। जितने भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस होते हैं सबसे पहले अफेक्ट होगा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर देखने को मिलेगा अपने को डिक्रीज्ड इरेगुलर पल्स रेट। पल्स रेट कैसी मिलेगी? डिक्रीज्ड मिलेगी एंड इरेगुलर देखने को मिलेगी। इसके अलावा डिसरिथमिया देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? डिसरिथमिया देखने को मिलेगा एंड हाइपोटेंशन, क्योंकि अपन मैग्नीशियम सल्फेट मैंने बताया था जब इसकी डोज कम होती है तो हाइपरटेंशन मिलता है, और सीरम लेवल ज्यादा होने पे हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा। तो ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड चेंज होते हैं। देन अपने को देखने को मिलेंगे कुछ ईसीजी के अंदर चेंज। ईसीजी के अंदर क्या फाइंड आउट होगा? तो ईसीजी के अंदर फाइंड आउट होता है अपने को, ये होता है अपने को प्रोलोंग्ड पीआर इंटरवल एंड वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। प्रोलोंग्ड पीआर इंटरवल एंड वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हाइपरमैग्नेशेमिया की कंडीशन में फाइंड आउट होते हैं। तो ये इंपोर्टेंट, ईसीजी के अंदर चेंज होते हैं प्रोलोंग्ड पीआर इंटरवल एंड वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, इनको माइंड में रखिएगा। ये हाइपरमैग्नेशेमिया की कंडीशन में जब अपन ईसीजी करवाएंगे पेशेंट की तो उसके अंदर अपने को फाइंड आउट होंगे। इसके बाद सेकेंड जो अपने अफेक्ट होता है वो रेस्पायरेटरी सिस्टम, और रेस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर होगा रेस्पायरेटरी इनसफिशियंसी देखने को मिलेगी। देन नेक्स्ट न्यूरोमस्कुलर सिस्टम के अंदर मसल वीकनेस, क्या देखने को मिलेगा? मसल वीकनेस देखने को मिलेगी अपने को, और डिक्रीज्ड और अब्सेंट डीप टेंडन रिफ्लेक्स। जो डीप टेंडन रिफ्लेक्स है वो कैसी मिलेगी? डिक्रीज्ड मिलेगी और अब्सेंट मिलेगी। इसके अलावा नर्वस सिस्टम में देखने को मिलेगी अपने को लेथार्जी, क्या देखने को मिलेगी? लेथार्जी देखने को मिलेगी, और अगर कंडीशन सीवियर हुई तो पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। तो इस तरह से ये मेजर सिम्टम होते हैं जो हाइपरमैग्नेशेमिया वाले पेशेंट के अंदर देखने को मिलते हैं। मोस्टली इंपॉर्टेंट होती है रेस्पिरेटरी इनसफिशियंसी देखने को मिलती है पेशेंट के अंदर, देन हाइपोटेंशन एंड वीक एंड इरेगुलर पल्स रेट अपने को देखने को मिलती है। इसके बाद अगर कंडीशन को डायग्नोस करने की मैं बात करूं कि कंडीशन को अपन डायग्नोस कैसे करेंगे, तो डायग्नोसिस के लिए अपन करवाएंगे सीरम लेवल, सीरम एमजी लेवल, और सीरम मैग्नीशियम लेवल कैसा मिलेगा अपने को? हाइपर के अंदर इंक्रीज्ड मिलेगा। एंड ईसीजी, जो ईसीजी के अंदर चेंज होते हैं उनको अपन फाइंड आउट करेंगे, तो ईसीजी करवाएंगे। इसके बाद ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट के अंदर अपने को करना होता है कि अगर मैग्नीशियम की इंटेक बढ़ने के कारण ये हो रहा है, इंटेक बढ़ने के कारण हो रहा है, तो अपन क्या करेंगे? रेस्ट्रिक्ट मैग्नीशियम इंटेक। क्या रेस्ट्रिक्ट करेंगे? तो मैग्नीशियम वाले फूड रेस्ट्रिक्ट करेंगे, अगर एंटासिड ले रहा है तो एंटासिड रेस्ट्रिक्ट करेंगे, लेक्जेटिव यूज कर रहा है तो लेक्जेटिव को रेस्ट्रिक्ट करेंगे। इसके अलावा मान लो रीनल एक्सक्रीशन डिक्रीज होने के कारण हो रहा है तो अपन क्या करेंगे? डायलिसिस करेंगे, पेशेंट का डायलिसिस किया जाएगा ताकि मैग्नीशियम को अपन बॉडी से एक्सक्रीट कर सके। देन मैंने बताया था रेस्पिरेटरी इनसफिशियंसी हो सकती है अगर मैग्नीशियम का लेवल ज्यादा हो गया, सीरम लेवल ज्यादा हो गया, टॉक्सिसिटी हो गई, तो क्या होगा? रेस्पिरेटरी इनसफिशियंसी। और रेस्पिरेटरी इनसफिशियंसी की कंडीशन में अपन देंगे पेशेंट को
वेंटिलेटरी सपोर्ट क्या देंगे, वेंटिलेटरी सपोर्ट पेशेंट को प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये ट्रीटमेंट के अंदर अपन यूज करते हैं। इसके अलावा मैंने बताया था कि अगर अपन किसी हाइपोमैग्नेसेमिया वाले पेशेंट को या सीजर वाले पेशेंट को या प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को मैग्नीशियम सल्फेट के थ्रू ट्रीट कर रहे थे और मैग्नीशियम की ओवरडोज हो गई, क्या बात है, हाइपो की कंडीशन थी, अपन ट्रीट कर रहे थे MgSO4 से और क्या हो गया, हाइपरमैग्नेसेमिया हो गया। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, एंटीडोट यूज करेंगे अपन। मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट क्या होता है, कैल्शियम। क्या यूज करेंगे, कैल्शियम ग्लूकोनेट यूज करेंगे या इंट्रावीनस कैल्शियम ग्लूकोनेट का इन्फ्यूजन पेशेंट के अंदर किया जाएगा। तो इस तरह से ये ट्रीटमेंट के अंदर अपन यूज करते हैं, वेंटिलेटरी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को और कैल्शियम ग्लूकोनेट का इन्फ्यूजन करते हैं। इसके अलावा पेशेंट के कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को, वाइटल साइन को, रेस्पिरेटरी फंक्शंस को एंड ECG को कंटिन्यूअसली मॉनिटर किया जाता है। तो ये आज की अपनी छोटी सी डिजीज कंडीशन हाइपरमैग्नेसेमिया के बारे में। अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स है या कमेंट्स है, डाउट्स है या क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और साथ ही जो भी आपकी फीडबैक है या सजेशंस है उनको भी आप कमेंट सेक्शन में बताते रहे, ताकि हम अपने कंटेंट को और क्लास क्वालिटी को टाइम टू टाइम इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू वेरी मच गाइज।